यमुनानगर के आईटीआई चेक पर रात को पुलिस और निगम की टीम शराब के ठेकों पर कार्यवाही करने के लिए पहुंची, जहां शनिवार और रविवार को प्रशासन द्वारा बंद किए जाने के आह्वान पर भी ज्यादातर लोगों ने तो अपनी दुकानों को बंद ही रखा, लेकिन ज्यादातर शराब के ठेके और अहाते खुले में कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिन्हें रात करीब 9 बजे प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए शराब के ठेकों पर तो चालान काटे, लेकिन वहीं अहाते सील कर दिए। अरे आपने इसको शराब क्यों दी है बगैर मास्क के? आपने शराब क्यों दी है इसको बगैर मास्क के? आपके कलम कहाँ है? लोगों को मारने का ठेका ले रखा है, लोगों को मारने का ठेका ले रखा है, चलान को दे रहे हैं वो धर्मग्रह। इधर आ जाए, इधर एक्चुअल में हम पूरे शहर में जो शराब के ठेके हैं वो क्या करते हैं, साथ में एक हत्था का काम करते हैं जिसमें शराब पिलाने का काम करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बैन है। हमने एक सेक्टर 17 में अभी रेड मारी है जहाँ उनका भी चालान काटा गया। एक यहाँ पर मौके पे हत्थे पे यहाँ पर प्रॉपर बैठे ही मिल गए, जिसके कारण से हमने आयुक्त महोदय के आदेशानुसार सीलिंग का काम शुरू किया है, इसको प्रॉपर सील कर दिया गया है। आज एक जगह कुछ लोग मिले, वहाँ पर बैठे मिले थे, वहाँ पर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उसके तो सिर्फ अंदर एंट्री ही थी, अंदर नीचे तो नहीं बैठे थे कोई, लेकिन उसके खिलाफ हमने जो बगैर मास्क के थे उनका चालान काटा गया है। और अभी भी यहाँ भी लाइव आपने देखा कि जो शराब के ठेका था उसमें बगैर मास्क के ना उसने सैनिटाइज रखा हुआ था और ना ही उसने कहीं गोले लगाए हुए थे, जिसके कारण से हमने उसके चालान काट दिया गया है। और एक साथ में जो हत्था है उसको सील की कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ, पहले हमने यहाँ एक हमारा कर्मचारी है वो भेजा गया, उसको जाके बैठ के उसने सब कुछ सामान मांगा, उन्होंने कहा 10 मिनट बैठे, और फिर हमने उसके पीछे से सारी वीडियोग्राफी बनाई हुई थी और एकदम से पीछे से उनके फिर हम टीम पहुंची वहाँ पर और उनको पकड़ा।